हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृतिकाज़ किचन। मेरा नाम है कृतिका। आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड पिज़्ज़ा। बहुत ही सिंपल रेसिपी है ये, एकदम फटाफट से बन जाता है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोग को बहुत पसंद आएगा। और अगर पसंद आता है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो आइए देख लेते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस बनाएंगे। उसके लिए लिया है मैंने टोमेटो सॉस 2 टेबल स्पून। फिर उसमें डालेंगे रेड चिली सॉस 1 टेबल स्पून। फिर डालेंगे ऑरिगेनो या फिर ऑल पर्पज़ सीजनिंग। फिर सबको कर देंगे अच्छे से मिक्स। फिर लेंगे एक ब्रेड का स्लाइस, उसके ऊपर लगाएंगे बटर। दोनों साइड से बटर लगा दें आप। बटर लगाने के बाद आप एक लेयर पिज़्ज़ा सॉस का लगाएं। फिर उसके ऊपर डालेंगे चीज़। यहाँ पे मैंने मोज़ेरेला चीज़ यूज़ किया है। फिर उसके ऊपर आप ओनियन रख दें ऐसे छोटे छोटे पीसेस में काट के। कैप्सिकम भी रख दें 2-3 पीसेस। टमाटर के भी 2-4 पीसेस रख दें। स्वीट कॉर्न अगर आपके पास है तो डाल दें। ब्लैक ऑलिव भी मैंने यूज़ किया है, आप चाहे तो, अगर नहीं है तो आप नहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इसे टेस्ट में और अच्छा करने के लिए मैंने थोड़े छोटे छोटे पीसेस पनीर के भी डाल दिया है। फिर लास्ट में डालेंगे थोड़ा सा और चीज़। और उसके बाद हम एक पैन को गर्म करेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा बटर और फ्लेम लो कर देंगे। और पिज़्ज़ा ब्रेड पिज़्ज़ा को उसके ऊपर रख के उसे कवर करके 2 से 3 मिनट तक हम लो फ्लेम पे पकने देंगे, जब तक कि चीज़ मेल्ट नहीं हो जाए। 2-3 मिनट बाद हम ढक्कन हटाएंगे। ये देखिए चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गया है, ये रेडी है। इसके ऊपर डालें आप ऑरिगैनो और गरम गरम सर्व करें। ट्राई कीजिए रेसिपी, आपको बहुत पसंद आएगी।